हेलो फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट की तरफ से बिग बिलियंस डे दिवाली ऑफर अनाउंस हो चुका है। सिर्फ 24 घंटे का टाइम रह चुका है, 24 घंटे से भी कम का टाइम मान सकते हैं। कल की डेट में आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से क्रेजिएस्ट एवर प्राइस ऑन आईफोन आपको मिल रहा है। काफ़ी दिन से आप सब एक वीडियोस देख रहे हो, गैस द प्राइस, गैस द प्राइस। अभी तक फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि उसको आईफोन 12 किस प्राइस में देना है, वो आईफोन 12 में नहीं क्या प्राइस में देना है। एक एक क्विज दे दिया है, एक हमें हिंट दे दिया है जो इसका प्राइस रहेगा, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, 4999 से लेके 54999 के बीच में रहेगा। हम सपोज कर रहे हैं, अभी तक मानना ये जा रहा है कि 51 या 50 या 49 के नियर बाय ये हमें आईफोन 12 मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट डील रहेगा, आईफोन 12 लेना या आईफोन 12 मिनी लेना। ऑलरेडी आप देख चुके हो कि फ्लिपकार्ट ने एक दे दिया है, SE आईफोन SE को लॉन्च कर दिया है। आईफोन SE का प्राइस रिवील्ड हो चुका है 25,999 का। बैंक ऑफर के बाद ये 24,499 का पड़ रहा है। अगर आपको ध्यान हो, कुछ वीडियोस यूट्यूबर ने डाल रखी है या आपने पहले भी चेकआउट किया हो, ये प्राइस रिवाइल करने के बाद अब इंक्रीज हो गया है। पहले इसका प्राइस 1,000 रुपीज़ लेस था। कुछ ऑर्डर बुक हुए, इवन एक ऑर्डर मेरे फ्रेंड ने भी मंगवाया, वो इवन मिल भी चुका है हमें, कल डिलीवर्ड भी हो गया। वो 23,499 का था, 1,000 रुपये लेस, इसके बाद इंक्रीज हो गया। अब चैलेंज क्या है, जैसे ही ये लॉन्च होगा आईफोन 12 और 12 मिनी, आपको फर्स्ट आवर के अंदर ही इसको ग्रैब कर लेना है। इसके बाद इसका भी प्राइस इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इसका फुल कंप्यूटर है फ्लिपकार्ट का कंप्यूटर, अमेजोन है। अमेजोन ने कल हमें एक अनाउंसमेंट दे दी है, पहले उसके पास आईफोन 11 का एक हिंट भी नहीं था, जस्ट पहले बेस्ट ऑफर के अंदर उन्होंने 2 डैश डाल के 999 किया था। अब एक हिंट मिल गया कि पहला डिजिट 3 होगा, मतलब 30,000 से लेके 39,000 के बीच में ये प्राइस रहेगा। ज़्यादातर मानना ये आ रहा है कि 27 या 28 के नियर बाय आईफोन 11 हमें मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो आईफोन 11 की डील थी वो भी अमेजोन पे आई थी, 40,000 के नियर बाय देखने को मिली थी। इस बार कुछ उससे डाउन भी जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल प्राइस में 5,000 का लेस भी हुआ है। अब पहले ऑफिशियल प्राइस भी इंक्रीज था, वो ऑफिशियल प्राइस भी 4,999 है। तो अगर ये ऑर्डर आपको 37 या 38,999 के बीच में मिलता है, तो आईफोन 11 लेना ही एक बेस्ट डील रहेगी। लेकिन अभी अगर आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, आईफोन एक इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन है, आप चाहते हो कि 2-3 महीने यूज़ करके मैं इसको सेल भी कर दूं, तो आपके लिए मेरी तरफ से सुजेशन रहेगा कि आईफोन 11 आप अमेजोन से बाई करिए और आईफोन 12 आप फ्लिपकार्ट से बाई करिए। दोनों फ़ोन को ले लीजिए, जो आप यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ करिए, बाकी को सील पैक रखिए। सील पैक रखने के बाद कुछ टाइम बाद जैसे ही दिवाली ऑफर चला जाएगा, इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो आप मार्केट में इसको बंद डब्बे को ही अच्छे खासे मुनाफे पे सेल कर सकते हो। इसी के साथ साथ आईफोन 11 के साथ अमेजोन ने एक हमें एक अच्छी डील दी है, XR। XR का प्राइस अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, 47,900 इसका MRP था, जो कि बेस्ट डील दे दी है 32,999 का। आई थिंक इससे बेटर आपको XR का प्राइस कहीं नहीं मिलेगा। XR का मोस्टली ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, एप्पल की साइट पे ये अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अमेजोन पे अभी अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे भी XR नहीं मिल देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे आपको SE देखने को मिलेगा। SE का प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, XR का प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। आपका डिसीजन है, अगर आप स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, अभी तक आपने आईफोन का एक्सपीरियंस नहीं किया और आप आईफोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट डील रहेगी XR या फिर SE। SE के लिए आपको फ्लिपकार्ट पे जाना होगा, जो कि कॉस्टिंग आपको पहले भी बता चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 25,999 की। अगर आप क्रेडिट कार्ड या बैंक ऑफर को ग्रैब करोगे, 24,499 का पड़ेगा। ये भी एक अच्छी डील है। अगर आपका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज आप लगा सकते हो, XR एक डेफिनेटली एक अच्छा फ़ोन है, आप XR ले सकते हो। XR के बाद आईफोन 11 तो है ही है, और आईफोन 11 का जो प्राइस है वो लगभग आज ही लॉन्च हो जाएगा, आज ही रिवाइल हो जाएगा, क्योंकि कल आज रात मिडनाइट 12 बजे से प्राइम कस्टमर के लिए ये ऑर्डर भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे पहले पहले अमेजोन को ये प्राइस अनाउंस भी करना है। तो आप कमेंट करिए, बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा बेस्ट ऑफर, अमेजोन की तरफ से आईफोन 11 पे और फ्लिपकार्ट की तरफ से आईफोन 12 और 12 मिनी पे। 12 का हमारी तरफ से गैस आ रहा है 4,999 के साथ, और 54,999 के साथ एयरपोर्ट दे सकते हैं अगर फ्लिपकार्ट ने दिया, तो वो भी एक अच्छा डील होगी। अगर आईफोन 12 लेना चाह रहे हो, 5G मॉडल है,
बड़ा अच्छा मॉडल है। 5G अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा, बट यह कि अगर आप 2-3 साल तक उसको कंटिन्यूसली रखते हो एक मोबाइल को, तो आपके लिए एक अच्छा रहेगा, कल को रीसेल वैल्यू आपको बड़ी अच्छी मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बार बार आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे हिट करने की जरूरत नहीं है, सेल आपकी कल से ही स्टार्ट है, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। तो आज बड़े आराम से आप रात को 7, 8, 9 बजे एक बार चेकआउट करिए दोनों वेबसाइट्स को, फ्लिपकार्ट को और अमेजोन को। फ्लिपकार्ट पे आपको iPhone 11 का प्राइस दिख जाएगा और अमेजोन पे iPhone 11 का दिख जाएगा, फ्लिपकार्ट पे आपको iPhone 12 और 12 mini दोनों के प्राइस दिखेंगे। कम डिसीजन आपका है, आपने देखना है कि आपको कितना पे करना है। दोनों ही डील बेस्ट रहने वाली है, अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से, अपने अपने प्राइस के हिसाब से आप जो भी लेना चाहते हैं वो आप लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर आईफोन यूजर्स। थैंक यू सर।